मन राम ही राम रटे रे, मेरो 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 मन राम ही राम रटे रे, राम रटे रे। जन्म के खत जो पुराने, जन्म जन्म के खत जो पुराने, जन्म के खत जो पुराने, जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेते हटे रे, नाम ही लेते फटे रे, मेरो मन राम रटे रे, मेरो मन राम ही राम रटे रे।
राम रटे रे, मेरो मन राम ही 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 राम रटे रे, मेरो मन राम रटे रे, राम रटे रे, राम रटे रे। सर्वप्रथम साधक जनों, कल के लिए क्षमा मांगता हूँ। मुझे था कि बृहस्पति का दिन ध्यान का दिन है, शायद मेरी कम्युनिकेशन में कोई गलती रह गई, सो कल ध्यान रह गया। कृपया क्षमा कीजिएगा, आगे से ध्यान रखिए। जिस दिन जाप होगा उस दिन तो ध्यान होगा ही होगा, अन्य दिन बृहस्पति और शनिवार दो दिन और रख लीजिएगा ध्यान के लिए। महत्वपूर्ण ना होता साधकजनों तो बल ना देता। बहुत महत्वपूर्ण है ध्यान, इसलिए आपसे बार बार निवेदन भी किया जा रहा है एवं प्रार्थना भी। ध्यान के लिए समय जरूर निकालिएगा। ध्यान से साधना में बहुत बूस्ट मिलता है। हमसे इतना जप होता नहीं जितना स्वामी जी महाराज हमसे अपेक्षा रखते हैं। नाम के उपासक कहते हैं कि नाम की उपासना से संपूर्ण लाभ लेना चाहते हो तो आपका जप 24 घंटों होना चाहिए, जो हमारी जीवन शैली में संभव नहीं है। अखंड स्मरण जिसे कहा जाता है, 24 घंटों जप, जिन पर परमात्मा की कृपा है, जिनको इस प्रकार की सुख सुविधाएं प्रेरणा प्राप्त है, वे बहुत जप करते हैं। आप सुन के चकित होगे, सभी सेवक सेविकाएं जो झाबुआ में इन दिनों कार्यरत थे, एक एक माला उन्होंने अपने गले में डाली हुई थी, मोटे मनके की माला, जैसे रानियां महारानियां अपने गलों में 9 लक्खा हार डालती थी। पता चला कि इस माला को 9 लाख बार जब से मंत्रित किया हुआ है, और वह माला उन्होंने वर्कर्स ने अपने सेवकों ने अपने गले में डाल रखा है ताकि हमसे कोई गलती ना हो। ये जब ये मंत्रित माला हमारी रक्षा करे, ऐसी भावनाएं भी हमारे अंदर नहीं है,
सो न हम इधर के ना उधर के बीच में लटके हुए हैं। सो ध्यान पर इसलिए बल दिया जा रहा है, जब थोड़ा जैसा कि हमारा है पर ध्यान से बल मिले। जब की संख्या बढ़नी चाहिए साधकों, उनका मुकाबला तो हम नहीं कर सकते, सो कितनी चर्चा उनकी की जाए। नए साधक कोई सेवा मांगता है कि श्री राम शरण की सेवा मुझे दी जाए, और उनको सेवा करते देखते हैं तो हर एक के मन में चाव होता है। पढ़े लिखे लोग कम हैं, परिश्रमी बहुत हो गए हैं, अब अधिकतर परिश्रम उनका जप में जाता है, बाकी थोड़ा बहुत अपनी रोटी रोजी कमाने में भी निकलता है, उस वक्त भी उनका जप चलता रहता है। ये अद्भुत सी कृपा उन पर हुई है। जब कहते हैं कि हमें सेवा दी जाए तो अनंत शक्तवत, जिनकी मेहनत ने देवी सज्जन अनेक अनंत शक्तवत वहां पैदा कर दिए हैं, वहां एक अनंत शक्तवत नहीं है। यदि उन 108 या 110 वर्कर्स में किसी एक को कहा जाए कि आप अनंत शक्तवत की जगह पर खड़े हो के काम संभालो, तो बिल्कुल संभालेगा। उनकी ट्रेनिंग इस प्रकार की है, मनो स्वार्थ नहीं, अपने हाथ में ही सब कुछ नहीं रखना चाहा, मुझे ये सब नहीं करना है, मैं तो स्वामी जी महाराज का काम, अपने गुरुजनों का, ऐसे बोलते हैं वे, अपने गुरुजनों की सेवा मुझे करनी है। जिस प्रकार से ये संस्था जो है वह इस क्षेत्र में पूरी तरह से फैल जाए, 1.25 करोड़ का जाप कर फिर आके मेरे से बात करना। हम में से कितने होंगे जिन्होंने आज तक जिंदगी में 1.25 करोड़ जाप पूरा किया हो? नौकरी यहां तब मिलेगी 1.25 करोड़ का जाप करके आप फिर मेरे से आके बात करना। किसी क्षेत्र में देखिए सोचना सूखा पड़ गया, पहले तो सारा के सारा क्षेत्र ही सूखाग्रस्त हुआ करता था, इसलिए बहुत से पुरुष लोग वहां से बाहर चले जाते थे कामकाज करने के लिए, जहां हरियाली होती थी ताकि कमा के कुछ घर ला सके, वहां कुछ था नहीं। अनंत शक्तावत यही कहा करते कि यहां संख्या बढ़ नहीं सकती पुरुषों की, क्योंकि प्राय सूखा रहता है, यहां कामकाज कोई है नहीं, इसलिए लोग चोरी डकैती हत्या इत्यादि करते हैं। जो नहीं करना चाहते परिश्रमी हैं वे बाहर चले जाते हैं, झाबुआ जिला से बाहर, वहां जाके साल भर की कुछ महीनों की रोटी रोजी कमा के तो वापस आ जाते। अब जब से श्री राम शरण बने हैं, वहां राम नाम का प्रवेश हुआ है उनके जीवन में, तो अब किसी क्षेत्र में छोटे से एरिया में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। उन एरियाज में, उन क्षेत्रों में अभी राम नाम का प्रवेश नहीं हुआ हुआ था। ये लोग आनंद जी के पास आए, आके कहा कि हमारे क्षेत्र में सूखा पड़ गया है, रोटी रोजी का कोई साधन नहीं है, मेहरबानी करके हमारी कुछ सहायता कीजिएगा, पूरे का पूरा क्षेत्र सफर कर रहा है। अनंत ने पूछा,
क्या वहां श्री राम शरण का कोई राम राम जपने वाला कोई साधक नहीं? कैसा विश्वास है इन साधकों का? देखने की बात तो ये है, इस विश्वास ने, श्रद्धा ने उनको कहां का कहां पहुंचा दिया है। राम नाम तो वही है जो आप जपते हैं, वो जपते हैं। क्या कोई राम राम जपने वाला, क्या कोई श्री राम शरण का साधक वहां नहीं है? कहा हमारे गांव में तो नहीं है। गांव का अर्थ जहां जहां जमीन है वही वही चार चार दस दस घर बने हुए हैं, वह गांव बन गया। ऐसे ही गांव है। कहा हमारे गांव में तो राम राम जपने वाला कोई नहीं है। दूसरा गांव है पास, उसमें दो साधक, सुना है कि उनके पास कंठी है, उन्होंने कंठी ली हुई है। दीक्षा को लोग कंठी लेना कहते हैं, माला लेनी कहते हैं। उनको बुलाओ, अनंत ने कहा उनको बुलाओ, उनकी पिटाई करो। तुम्हारे दो के होते हुए यदि वहां सूखा पड़ गया है तो इसका अर्थ यह है कि उन्होंने माला का निरादर किया है, उन्होंने राम राम ठीक ढंग से नहीं जपा है, उचित मात्रा में नहीं जपा है। नहीं तो जहां राम राम जपा जाता है वहां सूखा पड़े, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, ये संभव ही नहीं है। उनकी पिटाई करो, जाके बिना पूछे करो, उनको बुलाओ और बुला के उन दोनों की पिटाई, जूतियां लगाओ उनके सिर पर, पीठ पर। तुम्हारे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो कुछ साधक जन कल रत्नाकर के साथ हुआ वहां सामूहिक ढंग से हुआ हुआ है। रत्नाकर भी वैसा ही था जैसा झाबुआ के लोग थे। कहानी इस प्रकार की चलती है। साक्षण हिमालय की दिव्य भूमि पर देवऋषि नारद, महर्षि विशिष्ट, महर्षि विश्वामित्र, अनेक अन्य ऋषि मुनि, देवी देवता विराजमान है। चर्चा हो रही है भक्ति ही सर्वोपरि है, भक्ति ही सर्वसर्व है। बिन भक्ति के किसी को भी संपूर्ण शांति व पूर्ण तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भक्ति समागम हो रहा है, वहां पर ये चर्चा चल रही है। ये निर्णय देवऋषि नारद ने दे दिया है, निष्कर्ष सार दे दिया है। सूचना मिलती है ऊर्ध्व लोकों से, दिव्य लोकों से,